बहुत दिन के बाद एक नए ब्लॉग के साथ फिर हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग आपको दिखाएंगे कि आज हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं, वाटर पार्क, हमारे इधर का सबसे प्रसिद्ध वाटर पार्क हम लोग जा रहे हैं। वहाँ के नज़ारा को दिखाएंगे। ये हमारे साथ है हमारे भतीज, सभी हम लोग जा रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जरूर। हाँ बस है हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर राहुल नदी है। वहाँ पे हम लोग आए थे नहाने के लिए। जहाँ यहाँ पोल यहाँ से निकलती है जा रहे हैं गांव का रास्ता पहले। ये देखिए हमारे गांव का ये पगडंडी है जो अभी बंसिया से खनामुझी को जोड़ते हुए ये रास्ता बहुत ही अच्छा बन रहा है। हम लोग उसी रास्ते से होकर आज जा रहे हैं। यह खनामुझी को जोड़ने वाली यह बाईपास रास्ता, सुखकर रास्ता, जो सतिया किनारे से होते हुए सीधे नदी तक जाएंगे और आकर में एक सुंदर स्विमिंग पूल। देखिए यहाँ पे हंस का जोड़ा कितना अच्छा पानी के अंदर है। अरे बाप रे, कमाल लगता है। शहर के भीड़भाड़ से अभी गांव में मारेंगे आपको सुकून मिलेगा। ऐसा सुकून मिलेगा कि आपको खूबसूरती को कैद करने का कोशिश करते हैं। आज आप लोग को दिखाएंगे कि कितना अच्छा स्विमिंग पूल है। फाइनली पहुंच चुके हैं और इसी जगह पे हम लोग आज नहाएंगे और यहाँ का मज़ा लेंगे। ये देखिए यह स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर जगह है। इस जगह के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे चांद चश्मा है, अरे लगा भी नहीं कर रहे बाबा। ये देखिए यह विराट चश्मा, विराट अंदाज में गंदा है। कहाँ गंदा? गंदा नहीं, गंदा है कहाँ गंदा कर रहा है। ये देखिए ये पुणे से नहाने के लिए आए हुए हैं। देखिए है कहाँ गंदा, ये देखिए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। यह पानी साफ किया हुआ है कि खुद साफ हो गया? अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब हम जनवरी में हम आया करते थे तो पानी क्लियर हुआ करता था। अभी वो जो बोलते हैं ना चलता हुआ जो बहता हुआ पानी ज़्यादा क्लीन होता है और थमा हुआ पानी वो उतना क्लीन नहीं होता है, उतना क्लीन नहीं होता। और हो सकता है यहाँ पे सिगरेट्स वगैरह के ये देखिए पड़े हुए हैं इधर। ये देखिए तो यह यही वो गुफा है जहाँ पे बड़े बड़े मछली निकलते हैं।
और अभी तो पानी थोड़ा कम एनाकोंडा होने का चांसेस है क्या? हाँ, एनाकोंडा भी होने का चांसेस हो सकता है, लेकिन वैसा एनाकोंडा यहाँ नहीं है जो हमारे लिए। देखिए चारों ओर चट्टानों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हम लोग आए हैं नहाने के लिए। और यह स्विमिंग पूल का नज़ारा कितना अच्छा, खूबसूरत लोकेशन। मैं जब भी गांव आते हैं तो इसकी खूबसूरती और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। यहाँ पे आए हैं ये हमारे महावीर राज ब्लॉग भी आए हैं, इसका भी चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। अब इसको और ज़्यादा अधिक प्यार दीजिए और आपका आशीर्वाद, और आशीर्वाद ज़रूर दीजिए ताकि इसका भी चैनल इतना ग्रो करे। तो आप क्या कहेंगे? बहुत दिन से आपसे मिलने का बेताब है। अच्छा अच्छा, और काफ़ी इंतजारों के बाद हाँ आपसे मुलाकात हो चुकी है हमको, जरूर। और काफ़ी प्रयास और काफ़ी दिनों के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो कि आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार से। और हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हैं हम लोग वाटर पार्क घूमने के लिए, जो कि देव कुमार ब्लॉग जी हमारे साथ हैं। और हम लोग का गांव देहात का ही हम लोग मिनी वाटर पार्क है, ये रांची मिनी वाटर पार्क नहीं है, ये बहुत बड़ा वाटर पार्क है। आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है, अगर सरकार ध्यान देगी तो यह बहुत ही ज्यादा बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा है। सकती। और अभी रांची धनबाद बोकारो जाते हैं, और हम लोग का यही बोकारो भी है, धनबाद भी है, रांची भी है। और देख सकते हैं किलकिलाती एकदम पानी, कितने खूबसूरत है। बहुत मजा, बहुत मजा आ रहा था। ये रांची में कहाँ मिलेगा इतना शुद्ध पानी? कहाँ मिलेगा ये शुद्ध पानी? के लिए तो आपको क्लोरीन देना पड़ेगा और वगैरह बहुत ही केमिकल देके उस पानी को शुद्ध किया जाता है। देखिए किस प्रकार से यह चश्मा लगा के बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, और इनका चश्मा तो और ही ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए, ओए घुटने में लग गए भाई। कहाँ लग गए? देखिए ये अचानक इसको क्या हो गया, पैर पत्थर में लगा है, पत्थर में अचानक पत्थर। अरे बाप, देखिए ये झाप देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बी केयरफुल, क्योंकि पानी के लिए काफी कम है। हाँ, और इसीलिए थोड़ा गंदा हो रहा है, कुछ अनुभव शेयर कीजिए। अनुभव क्या है कि इतना उम्मीद किया था कि ठंडा पानी होना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गर्मी ज़्यादा बहुत बढ़ बढ़ गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जिस तरह से आप यहाँ पे पेड़ का कटाई हो रहा है, सबसे बड़ा स्ट्रेंज है कि गवर्नमेंट
हम भी नहीं कर रहे, काफी जोर से चोट लगा है, काफी जोर से। यस यस हो रहा है। ये देखिए किस प्रकार से देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, सब नहा रहा है। ओ मुखिया जी, सब नहा रहा है, छोटा रील्स बना, नहाइबे करेगा, नहाइबे करेगा, नहाइबे करेगा। गर्मी है जो इतना है, गर्मी पानी और ठंडा है। खानी बना रहा है।